जनपद मुरादाबाद के कटघर इलाके के जंगल में लगी आग से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, पर उस वक्त तक लाखों रुपए का खड़ा गेहूं आग की भेंट चढ़ गया। दरअसल कटघर इलाके के भैंसे के लोगों में उस समय कोहराम मच गया जब उन्हें पता चला कि उनके खेतों में आग लग गई है। गाँव के लोग अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उस समय तक आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग बुझानी शुरू की गई, लेकिन तब तक सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ चुकी थी। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दे दी थी और वो पहुंच भी गई, पर उसके पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग पर काबू पा लिया। मौके पर मौजूद किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके खेत में खड़े हाई टेंशन खंभे पर उठी चिंगारी से यह आग लगी है, जिसके चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सर, ये लाइट के तार जो है टच हुए हैं आपस में, इसके नीचे से चिंगारी गिरने की वजह से पूरी भीषण आग लगी है इस पूरे जंगल में। लगभग 200-250 बीघे का जंगल जो है जलकर तबाह हो गया है। सर, सारी नुकसान है, जलकर तबाही हो गया है। 5-4 क्विंटल बीघे के हिसाब से लगा लीजिए, 200-250 बीघे जंगल जल गया। पुलिस प्रशासन को अधिकारी मौके पर पहुंचे। सर, यहाँ जो पुलिस चौकी थी वहाँ एकदम उन्होंने हमारी सहायता करी है, लेकिन जो फायर होती है मशीन आग बुझाने वाली, इन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं करी है। बहुत लेट आए हैं और उसके बाद आने के बावजूद भी हमने इनसे शिकायत करी है, तो इन्होंने हमें समझाया ही है वैसे तो, लेकिन हमें मशीन की तरफ से कोई सहायता नहीं करी। यहाँ के पब्लिक और नौजवानों ने ही आग बुझा पाई है। कैसा प्रयास करा आग बुझाने का, किस तरीके? आग बुझाने का सर देख सकते हैं, हाथ भी जल गया है हमारा, मेरा पैर जल गया है, इधर की मुझे जल गया है, इधर देखिए सर लड़के खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, बाकी सब ने आग बुझाई है, काफ़ी कोशिश की है, इसलिए जंगल कुछ बच गया है इसी वजह से।